अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन शेफिस्ट्री। मैं हूँ फायजा मौसम और आज हमारे किचन में बन रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त से कलरफुल स्प्रिंकल्स, जो कि हम बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ दो इंग्रेडिएंट के साथ। जी हाँ, ज़बरदस्त से हार्ट शेप में, स्टार शेप में, और ये जो बिल्कुल टॉर्ट और इस तरह जो लंबे वाले होते हैं, इस तरीके के स्प्रिंकल्स कलरफुल से बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। आप लोग को बिल्कुल भी बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं। इसके साथ आप डेकोरेट कर सकते हैं, कपकेक्स हों या कोई भी, आप केक को भी इसके साथ डेकोरेट कर सकते हैं। चलिए बगैर टाइम के ज़ाया किए हम इसको बनाते हैं। कलरफुल स्प्रिंकल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आइसिंग शुगर ली है 1 कप, इसको मैं एक बाउल में डाल रही हूँ, और साथ ही यहाँ पे मैंने 1 अंडे की सफ़ेदी को फेंट के रख ली है। अच्छा, आपने ये सारी सफ़ेदी नहीं डालनी है एक साथ, आपने इसको 2 टेबल स्पून करके डालनी है, और जब इसको हम बीट करते जाएंगे, और हमने बस उतनी डालनी है कि ये गाढ़ा सा मिक्सर हो जाए, या तो आपकी चीनी पर डिपेंड करता है कि कितनी ये अंडे की सफ़ेदी इसके लिए रिक्वायर्ड होगी। देखिए, मैं साथ साथ डालती जा रही हूँ और ये इसको मैं बीट करती जा रही हूँ। जब ये बिल्कुल थिक सा एक पेस्ट बन जाएगा तो मैं बस वहाँ पर इसको ख़त्म कर दूँगी, पूरी नहीं डालूँगी। ये देखिए, इस तरीके से मेरा बिल्कुल बस 1 चम्मच ही बचा था सफ़ेदी का, और ये मेरा इतना गाढ़ा मिक्सर तैयार हो चुका है। ये देखिए कितना क्रीमी सा, बस हमें इतना ही हमें चाहिए। ये देखिए कितना थिक सा हमारे इसकी कंसिस्टेंसी है। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए मैं मिला रही हूँ तो ये एक धार की फॉर्म में नीचे गिर रहा है, बस इतनी कंसिस्टेंसी हमें इसकी चाहिए। अब हम इनको 4 डिफरेंट कलर्स हमने इसके करने हैं, तो हम इनको 2 टेबल स्पून हम तकरीबन 4 बॉल में हम निकाल लेंगे। ये देखिए इतना इतना, इससे भी बहुत ज़्यादा स्प्रिंकल्स बन जाएंगे। ये देखिए मैं 4 बाउल में निकाल रही हूँ, और पहले वाले बाउल में मैं ये ब्लू कलर डाल रही हूँ, ये फूड कलर है। आप पाउडर फॉर्म में भी कलर ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे जेल फॉर्म में लिया है। बिल्कुल ज़रा सा डालने से देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। ये मैंने फर्स्ट में ब्लू कलर डाला है, और ये मैंने डाला है पर्पल सा है, पिंकिश पर्पल सा, ये मैंने डाल दिया है दूसरे वाले में। आपके पास कोई भी कलर अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने अब डाल दिया ग्रीन कलर। ये देखिए कितना ज़बरदस्त, एक ड्रॉप डालने से भी कितना अच्छा कलर आ गया। और यहाँ पे मैंने डाल दिया रेड कलर। ये देखिए मैंने तीनों कलर मिला लिए, अच्छी तरह इनको मिक्स कर लिया। अब हम इनको साइड पे रख देते हैं। अब इनके हम पाइपिंग जो कोन है वो तैयार करते हैं। ये जो पाइपिंग बैग आपको आराम से मिल जाते हैं, जो हम व्हिपिंग क्रीम के लिए इस्तेमाल करते हैं, यही मैंने लिया। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जो है, जो हम प्लास्टिक कवर नहीं चढ़ाते कॉपीज़ के ऊपर, आप वो भी ले सकते हैं। तो मेरे पास वो नहीं था तो मैंने ये ले लिया है। अगर आपके पास कोई भी प्लास्टिक की शीट अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। मैंने इसको इस तरह से दोनों को अलग अलग कर लिया, इस पाइपिंग बैग को। एक को मैं साइड पर कर रही हूँ और दूसरे को मैं यूटिलाइज़ कर रही हूँ। ऊपर से इसकी जो टिप है, पहले मैं इसको काट दूँगी, यहाँ से इसको मैं काट के साइड पे कर दूँगी। हमने कोई बहुत बड़ी कोन तो बनानी नहीं है, हमने बहुत बस छोटी छोटी सी मुनासिब सी बनानी है। इस तरीके से मैं इनको 3 पीसेस में काट दूँगी। ये देखिए इतने इतने पीसेस में, इतने साइज़ में, और इसी तरह मैं इसको भी काट दूँगी। 3 इसमें से बन जाएंगी और एक जो मैंने अभी साइड पर रखा है उससे बन जाएगी। तो टोटल हमने 4 कोन्स बनानी है, और इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से नोक बना देंगे बिल्कुल बारीक से, और यहाँ पे हम टेप लगा देंगे। इसी तरह हम सारी कोने तैयार कर लेंगे इसी तरीके से। ये देखिए मैंने सारी कोने, चारों के चारों कोने तैयार कर ली, छोटी छोटी सी, कितनी क्यूट लग रही हैं। अब हम इन कोन में जो हमने अपनी ये फिलिंग तैयार करके रखी हुई थी, ये हम भरेंगे। ज़्यादा मत भरिएगा, बहुत ज़्यादा हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। बस आप 2 टीस्पून या 3 टीस्पून बस इतना ही डालिएगा, और ऊपर से इसको दबा के इसके ऊपर आप टेप लगा दीजिएगा, इसको फिर हैंडल करना आसान हो जाता है। इस तरीके से ये मैंने टेप लगा दी है। इसी तरह हम चारों कोन इस तरह तैयार करके रख लेंगे। यहाँ पे मैंने बटर पेपर लिया है, बटर पेपर को मैं भी इसी तरह स्कॉच लगा दूंगी, टेप से इसको मैं जोड़ दूंगी ताकि ये हिले ना, और हमारी जो हम स्प्रिंकल्स बनाएं तो ख़राब ना हो। ये देखिए इस तरीके से अब मैं इसको निकाल रही हूँ। इस लंबे वाले स्प्रिंकल्स बनाने के लिए हम इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। मैंने यहाँ पे ग्लव्स पहन लिए हैं ताकि कलर मेरे हाथों पे ना चढ़े, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखिए मैं इस तरह तमाम कलर्स की यू लाइन ड्रॉ कर लूँगी। देखिए इससे कितना आसान है ये बनाना, और कितना जल्दी बन रहा है।
बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा और मुझे तो बनाने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। अभी मैं डॉट्स बना रही हूँ इस तरीके से जैसे हम कोन मेहंदी नहीं निकालते, बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर है। बहुत मज़ा आ रहा था मुझे बनाने में। जब आप लोग भी इसको घर में ट्राई करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, ये बाज़ार में बहुत महंगे मिलते हैं, तो अब आप उसको घर में बनाइएगा। ये देखिए मेरे डॉट्स भी तैयार हो गए हैं। अब मैंने स्टार्स और ये हार्ट शेप, अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो ड्रॉ कर लें, अगर आपको वैसे ही आपकी ड्राइंग अच्छी है तो अब नॉर्मली आप कौन से ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने कहा चलो ये इसको ड्रॉ करके ज़रा और अच्छी शेप बन जाएगी, तो मैंने ड्रॉ कर दिया और उसको भी मैं टेप से लगा रही हूँ इस तरीके से। अब मैं ये कौन को इस तरीके से कर रही हूँ जो मैंने नीचे स्टार की शेप ड्रॉ की थी, इस तरह मैं इसको बना रही हूँ। आप चाहें तो बगैर ड्रॉ किए भी बना सकते हैं अपने अंदाजे के साथ। ये देखिए इस तरीके से, इस तरह मैं सारे बना लूँगी और हार्ट शेप के भी मैं इसी तरह सारे बना लूँगी। इनको अब हम ठंडा करने के लिए रख देंगे, तकरीबन 4 से 5 घंटे में ये बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं। ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं मेरे, बिल्कुल सूख गए हैं। अब हम इसको किसी भी स्क्रैपर की मदद से उतार लेंगे, आप बेशक चाहें तो हाथ से भी उतार सकते हैं, छुरी की मदद से भी उतार सकते हैं। ये देखिए उतार कर हम इनको अलग करके प्लेट में निकाल लेंगे, जबरदस्त से मेरे ये देखिए इतने खूबसूरत लग रहे हैं। इससे जब आपने केक पॉप्स को या कप केक्स को सजाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे। अगर आपने किसी कोई बर्थडे पार्टी की थीम कर रहे हैं तो उस हिसाब से भी आप अपने खुद भी बना सकते हैं। जैसे अगर ब्लू ही आपकी थीम है तो आप सारे ही ब्लू बना लें। इसको मैं हाथ से उतार रही हूँ और इसको हम तोड़ते जाएंगे। ये देखिए इस तरह ये रॉड शेप में हमारे बन गए। इनको भी हम अलग करके रख लेंगे और हाथ से इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। बड़े रखने चाहें तो बड़े रख सकते हैं, अगर आपने छोटा रखना है इनका साइज तो इनको छोटे साइज में आप इनको तोड़ लें हाथ से, या बड़े आराम से टूट जाते हैं। ये स्टार्स को भी देखो ये तो खुद ब खुद ही उतर रहे हैं। देखिए इस तरीके से खुद सारे उतार के इनको आप रख लें। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये दिल वाले भी हार्ट शेप में। ज़बरदस्त से कलरफुल स्प्रिंकल्स मेरे तैयार हैं और इसी स्प्रिंकल के साथ मैंने जो केक पॉप्स बनाए थे इसी स्प्रिंकल के साथ मैंने सजाया था। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।